हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अमृता एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे एक बुकमार्क बना सकते हो। बट ये कोई नॉर्मल सा बुकमार्क नहीं है, ये मैजिकल बुकमार्क है मेरे लिए। तो दिस बिकॉज इस बुकमार्क के पीछे आपको पेन मिलेगा। राइट, ये कोई बुकमार्क नहीं, बुक भी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख सकते हो ये बुक है। देखिए मैं सो गाइस, मैंने यहाँ पे निकाला है, आप देख सकते हो। एंड गाइस ये बुक भी है, जैसे कि आप सोच रहे हो कि ये बहुत ही यूनिक है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत ही यूनिक है, क्योंकि एंड गाइस ये आपके बहुत फ़ायदे में आएंगे। क्योंकि जैसे कि अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो एंड आपको बुक की मीनिंग नहीं, तो आप पीछे से पेन निकाल कर तो आप अपना मीनिंग को लिख सकते हो। सो ये भी बहुत हेल्पफुल है। इस बुक मार्क को मैं नाम दी हूँ 3, मतलब इस बुक का मार्क का नया नया 3-in-1 बुक मार्क, क्योंकि आप भी आप 3 हो या फिर बुक मार्क का भी काम हो जाता है। तो आप बुक भी यूज़ कर सकते हो एज अ बुक भी, एंड एज अ पेंसिल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बनाने के लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ बोल देती हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऐसा चाहिए, ऐसा पाइच, मतलब ऐसा आपको हाफ किया हुआ चाहिए। सो गाइस या मैं किसी और के लिए देन ऐसा हाफ चाहिए। एंड फिर इसको ऐसे मोड़ के इसका बहुत ज़्यादा जितना तक ऐसा एक शेप निकाल के इसको हम मोड़ लें। फिर उसको काट लें स्ट्रिप्स को, मैं आपके साथ काट करने के बाद दिखाती हूँ। सो गाइस देख सकते हो, गाइस मैंने ऐसा करके मैंने मतलब स्ट्रिप्स मैंने काट भी लिया है। नेक्स्ट आपको चाहिए फेविकॉल। एंड गाइस आप इसको फेविकॉल से ऐसे करके चिपका भी लें, क्योंकि फेविकॉल से आप इसको यहाँ से चिपका लें। फिर आपको चिपकने के बाद हमने तो के लिए आप और एक नया पेज लेके आप क्या कीजिए, फिर वो जो आपने स्ट्रिप्स के वर्क बनाए थे फिर उसको अच्छे से कवर करके उसके जो एजेस निकाले हुए हैं उसको आप काट लीजिए। एंड देन उसको भी पेस्ट कर लीजिए। देन आपको ऐसा कलर्स बनाना होगा, ऐसा रेनबो कलर्स। यहाँ पे रेड किया है, ऑरेंज किया है, येलो किया है, ग्रीन किया है, ब्लू किया और पर्पल किया है। ये मुझे पता नहीं यहाँ पे क्यों ब्लू लग रहा है, बट ये पर्पल है गाइस, मैं आपको पास से दिखा, बट ये पर्पल है। सो एंड यही सेम वर्क मैंने पीछे भी की है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको जो करना है, आपको अपने पेज से ऐसे काट के आपको ऐसा एक शेप बना ले क्लाउड एंड क्लाउड से शेप का। फिर आपको मार्कर से अच्छे से इसका एक क्यूब सा शेप देना होगा। अब बस हमारा बुकमार्क तो रेडी हो गया। अब इसके पीछे हम पेन कैसे लगाएंगे। पेन लगाने के लिए आपको वाइट पेपर चाहिए। वाइट पेपर के दो स्ट्रिप्स काट लें एंड फिर पेन को मिडल में ऐसे कीप करके दोनों को चिपका लें। एंड देन इन दोनों के ऊपर भी आप कलर अटका लें, जैसे मैं की हूँ। अभी बहुत ही ईजी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो। एंड फिर आप इसको यहाँ पे बैठा भी सकते हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब मस्त है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ऐसे ही नहीं यूनिक और न्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट तो वैसे भी कर ही लेंगे और शेयर भी कर देना भर भर के इस यूनिक वीडियो के लिए। सो गाइस जैसे कि मुझे एक मीनिंग यहाँ से नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पीछे से नहीं आया तो मैंने पेन लिया है। पेन को मैंने निकाला एंड देन मतलब पेन को मैं निकाल रही हूँ। फिर मैंने पीछे से पेन को निकाल लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक पेज ले लेती हूँ। देखिए एंड देन मैं यहाँ पेन लेती हूँ, आप लिख सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी एंड मैं लास्ट यही वाले पेज में मैं पढ़ रही थी, तो मैं आपको जल्दी से इसका पेन भी आप ऐसे करके खींचा सकते। सो नेक्स्ट हम यहाँ से लाएंगे तो देखते हैं। आप इसको यहाँ पर ऐसे पोक कर सकते हो, बट मैं इसको इतना तक ही रखूँगी। एंड गाइस बहुत ही मस्त बना है, देख सकते हैं ये। सो गाइस मैं लास्ट में 43 में सपोज मैं पढ़ रही थी, पेज नंबर 43, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो एंड वी आर डन। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो अगेन गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, भर भर के शेयर कर देना, कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना। बाय। एंड गाइस मेरी होली की वीडियो भी बहुत है, सो उसको उसके लिए वेट कर लेना। सो तब तक के लिए आप ये बनाएं। बाय।